अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्मी म्यूज़ियम में और अभी मैं आपको दिखाऊंगी APS शहदा की तस्वीर और उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको पाकिस्तान के चंद शहदा और गाजियों की तस्वीर। ये देखिए, ये APS के शहदा हैं। ये बच्चे, ये कैसे इनकी माओ ने इनको तैयार करके स्कूल में भेजा और कैसे ये दुश्मन की भेंट चढ़ गए। और उसके बाद ये हमारी पुलिस फोर्स के शहदा जिन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जामे शहादत नोश किया और उसके बाद हमारे गाजी और शहदा पाकिस्तान की फ़ौज के जिन्होंने हमें एक महफूज मुस्तकबिल देने के लिए, एक पुरसकून ज़िंदगी देने के लिए अल्लाह की मदद से दुश्मन को पिछाड़ा और उसके बाद जामे शहादत नोश किया। ये चंद और शहदा की तस्वीर हैं और ये अभी जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं मेजर जनरल बिलाल उमर ख़ान की, ये इमरान ख़ान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब के कज़िन भी थे, बल्कि हैं, क्योंकि कुरान पाक में है कि शहीद ज़िंदा है और वो अल्लाह से रिज़्क़ पा रहा है हमसे बहुत बेहतर। और ये सारी जो शहादतें हुई हैं, ये जितने गाजी हैं, जितने शहीद हैं और ये जितने APS कब, ये सब पाकिस्तान के बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने, जवानों ने जितनी भी कुर्बानियाँ दी हैं वो पता है किस लिए दी हैं? इसलिए, ये देखिए, ये यूनिटी का एक मैसेज देने के लिए हाथों में हाथ थामे पाकिस्तानी अवाम की, मुख्तलिफ रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की एक डिपिक्शन की गई है कि पाकिस्तानी अवाम किस तरह, देखें इफ़ यू पे अटेंशन टू देयर हैंड्स, के यूनिटी इज़ द की, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और ये आज का पैगाम है, पाकिस्तान जिंदाबाद।